खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सबसे गार्डन में। आज मैं अपने गार्डन में आ चुकी हूँ और हार्वेस्टिंग के साथ साथ मैं आपको एक पौधे के बारे में भी बताऊंगी जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगा है और उसे मैं अपने गमले में लगाने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ। गिलकी बन चुकी है और छोटे से पॉट में ही छोटा सा पौधा ही लगा है और उसमें बहुत सारे फूल और फल बनने शुरू हो गए हैं। तो देख सकते हैं कि ये एक गिलकी बन चुकी है। अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो ये ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, तो हार्ड ना हो इसलिए एक गिलकी ही सही इसे मैं हार्वेस्ट कर लूँगी। तो सिर्फ एक ही नहीं, बहुत सारी गिलकी लगी हुई है, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हो रही हैं। तो ये जो गिलकी का पौधा है ये एक मछली की पेटी में लगी हुई है और ज़्यादा बड़ा पौधा भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें फ्रूटिंग भी अच्छी तरह से हो रही है और फ्लावरिंग भी अच्छी तरह से हो रही है। तो यहाँ देख सकते हैं कि छोटी छोटी गिलकियाँ लगी हुई हैं और ये जो गिलकी है थोड़ी टेढ़ी हो गई है। तो बहुत सारी जो गिलकी लगी हुई है तो बाद में ये हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगी। तो फ़िलहाल आज मुझे एक ही गिलकी मिली है। हार्वेस्टिंग के बाद मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ उस एक पौधे के बारे में जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मुझे उसका नाम बिल्कुल भी नहीं पता लेकिन बहुत खूबसूरत है। तो चलिए उस पौधे के बारे में मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। आप ज़रूर बताइएगा कि ये कौन सा पौधा है। तो आप देख सकते हैं कि ये एक पौधा है जिसकी फ्लावरिंग मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है और ये खुद ही उगाया था, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और बारिश होती रहती है। तो इसमें मैंने रखा हुआ था कोकोपीट और इसे किनारे ही रख दिया था और जब मैंने एक दिन देखा तो इसमें एक पौधा निकला हुआ था और इसमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रखी थी और ये जो फ्लावर है वो लंबी सी है और एक ब्रांचेस की तरह और उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पर्पल कलर के फ्लावर खिले हुए थे। देखने में ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है और इसी में एक टमाटर का पौधा भी उगाया है और ये सिर्फ उगाया है कोकोपीट में, क्योंकि मैं कोकोपीट का इस्तेमाल करती हूँ गमले की मिट्टियों को हल्का करने के लिए। तो इसमें मैंने रखा हुआ था कुछ बीज वगैरह उगाने के लिए तो इसी में उगाया है। चूँकि बारिश हो रही है तो कोकोपीट में नमी है और इसी वजह से इसमें ये पौधा उगाया है। तो आप ज़रूर ये बताइएगा कि ये कौन सा पौधा है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।